50,000 फरिश्ते, कितने 50,000 फरिश्तों की बारात लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए। और ये जन्नती बुराक जिसका कद खच्चर से छोटा और खदेज से ज्यादा ऊंचा था, ये जने जन्नती बुराक है। और जिसको एक बिजलियों से बनाया गया था, ये जन्नती बुराक को आका की बारगाह में आए, देखा कि महबूब आराम फरमा रही है, महबूब आराम फरमा रहे और आप उसके घर पर उनमें हानी आपकी चिटा साहब है कि उनके हानी के घर पर आप आराम फरमा रही है, देखा कि महबूब आराम फरमा रही है। जिब्रील अलैहि सलाम ने आपस में मशवरा की, मशवरा किया कि अब महबूब को किस तरह की जगह जगाया जाए, महबूब को किस तरह की से जगाया जाए, अगर आवाज देकर जगाया जाएगा तो ये महबूब की शान में गुस्ताखी होगी, ये महबूब की शान में गुस्ताखी होगी, बेअदबी होगी। तो कुछ समझ में नहीं आया, रब की बारगाह में चल दिए कि रब से बोला कि या रब्बुल आलमीन महबूब को आराम फरमा रहे, महबूब को आराम फरमा रहे, किस तरह से महबूब को जगाया जाए। तो रब ने फरमाया कि जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को वो मेरे महबूब के कदमों को बोसा दे देना, मेरे महबूब के कदमों को बोसा देना और मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। जिब्रील अलैहि सलाम आए और आपके कदमों को कदमों को बोसा दिया, मेरे आका अलैहि सलाम को सलाम बेदार हो गए। सुभान अल्लाह, आप बोल सकते हैं यार, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। तो आका अलैहि सलाम को सलाम बेदार हुए, आका अलैहि सलाम को सलाम ने जिब्रील को देखा, फरमाया ए जिब्रील क्या बात है, जिब्रील क्या बात है। तो जिब्रील अलैहि सलाम ने बोला या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, रब आपकी मुलाकात करने का शौक रखता है, रब महबूब की मुलाकात का शौक रखता है। तो मेरे आका अलैहि सलाम ये मेराज की बात कौन फरमा रहे हैं, खुद रबी फरमा रहे हैं। तो बोला कि मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिब्रील ने इस तरह से बोला कि रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है। तो जिब्रील अलैहि सलाम ने रब ने आका अलैहि सलाम फरमाते हैं तो मेरा कल्बे अथर यानी कि गले से लेकर नाप तक आपका सीना काटा गया, आपका सीना खोला गया, आपके सीने को खोलकर आपका कल्बे अथर आपका सीना आपका दिल मुबारक निकाला गया और उसको कुसूर दिया गया, उसको कुसूर दिया गया। आप अपने जमान में शहर में यह ख्याल मत आना कि आपका कल्बे अथर सलाम में यह कुसूर देना था, बल्कि इसलिए कुसूर दिया कि आपके जमतम को बरकत हो जाए, नबी के कानों को बरकत नहीं हो बल्कि आपके जमतम को बरकत हो जाए। तो नबी का कल्बे अथर को कुसूर दिया गया, आका अलैहि सलाम को सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया, वहाँ 1,26,000 या तकरीबन 2,26,000 पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमाते हैं। आपके इस्तकबाल के लिए खड़े थे, आका अलैहि सलाम को सलाम आए तो देखा तमाम नबी अलैहि सलाम को सलाम आपके इस्तकबाल के लिए हैं, आदम अलैहि सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहि सलाम तक तमाम नबी आपके इस्तकबाल के लिए हैं। तो जिब्रील अलैहि सलाम ने बुराक को बांधा, बांधने के बाद जिब्रील अलैहि सलाम ने इकामत यानी कि अदा होकर अजान पढ़ी, अजान पढ़ी। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस नमाज का फरिश्तों का सरदार अजान पढ़े और जिस नमाज का नबियों पर इमाम इमामत करे, उस नबी को उस नमाज का आलम क्या होगा, उस नमाज का आलम क्या होगा। तो आका तो जिब्रील ने अजान पढ़ी, आका अलैहि सलाम ने सोचा कि मेरे शहर में आका अलैहि सलाम फरमा रहे हैं। तो जिब्रील ने अजान पढ़ी, अकामत पढ़ी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अकामत पढ़ी और आका अलैहि सलाम का हाथ पकड़कर मुसल्ले पर कर दिया। तमाम नबी आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मेरे जहन में लिखा कि मैं नबियों को इमामत कराऊंगा, मैं नबियों को इमामत कराऊंगा। आका अलैहि सलाम के जहन में आप ये फरमाते हैं कि मेरे जहन में ये था कि मूसा अलैहि सलाम नमाज पढ़ेंगे, इब्राहिम अलैहि सलाम नमाज पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि आदम अलैहि सलाम नमाज पढ़ाएंगे, मेरे जहन में ये नहीं था। बल्कि आका अलैहि सलाम को मुसल्ले में खड़ा किया गया और आपने तमाम नबियों की इमामत की, आपने तमाम नबियों की इमामत की, दो रकात नमाज नफिल आपने अदा की तमाम नबियों को और तमाम नबियों ने आपको मुबारकबाद दी। उसके बाद जब आपको भुराक पर बिठाने लगे जिब्रील अभी तो जिब्रील आदमी से बोलने लगे मैं भुराक पर नहीं बैठूंगा, मैं भुराक पर नहीं बैठूंगा। जिब्रील अलैहि सलाम ने बोला या रसूल अल्लाह क्यों, मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब तक रब मुझसे ये वादा न कर ले, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे उम्मती कब्र से निकलेंगे तो उन्हें डंडे मार मार कर निकाला जाएगा, कब्र में से डंडे मार मार कर उन्हें कब्र में से निकाला जाएगा। रब मुझसे ये वादा करे कि मेरे हर एक उम्मती के लिए खुराक तैयार किया जाए, मेरे हर एक उम्मती के लिए खुराक दी जाए। तो जिब्रील अलैहि सलाम खामोश हो गए तो रब का पैगाम आया, फरमाया कि जिब्रील मेरे महबूब से बोल दो तुम्हारे हर एक नबी तुम्हारे हर एक उम्मती के लिए बुरा कथा फरमाती, तुम्हारे हर एक उम्मती के लिए बुरा कथा फरमाती। आप अंदाज लगाए कि नबी लामकाम में पहुंचे,
अल्लाह के कुर्बे आसन है, पोजान पर बैठे हैं, तमाम नबी तमाम फरिश्तों का इस्तकबाल कर रहे हैं, मगर आका उस वक्त भी हम गुनहगारों को नहीं छोड़ रहे हैं। आका कह जाएगा सलाम, हम उस वक्त भी हम गुनहगारों को नहीं बोल रहे हैं। क्या फरमाए मेरी उम्मत के लिए सलाम किया जाए। उसके बाद आपको बुराक पर बिठाया गया। आप फरमाते जब मैं बुराक पर गया और आसमानों को सैर किया, जब मैंने ऊपर से देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान और अपने कलमा तक की जान दे के था, तो आप ये देखो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाने की छोटी मोटी बात नहीं है, खुद नबी ने फरमाया, खुद नबी ने फरमाया कि मैंने आसमान से देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर। आज हम जिंदा होकर नमाज अदा नहीं कर रहे, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। और एक साहबी रसूल है हजरत साहिब बिन अबू, एक साहबी रसूल है जो शक्लकलाम साहबी रसूल के एक शागिर्द है, ताबी है। वो फरमाते हैं कि जब यजीदी फौजों ने मक्के पर और मदीने पर हमला किया तो अपने अपना एक मौके इमाम मुकर्रर किया, यजीदी इमाम, और मस्जिद इमाम में रख दिया। तो तमाम सहाबाए किराम ने तीन दिन तक मस्जिद नमाज में मस्जिद नबी में नमाज अदा नहीं की, इसलिए कि हम यजीदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो उन्हें तीन दिन तक मस्जिद नबी में नहीं गए। ये वो साहबी रसूल फरमाते हैं, साहबी रसूल के शागिर्द है और ताबी है। ये फरमाते हैं कि फिर मैं एक मजनू बनकर पागल की तरह बनकर यजीदी फौज में शामिल हो गया। तो यजीदी फौज मुझे समझे कि कोई पागल है कोई मजनू है, तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं आका अलैहिस्सलाम के रोजे से टेक लगा कर बैठ गया, टेक लगा कर बैठ गया। क्या देखता हूँ जोहर का वक्त आया। खुद फरमाते हैं कि कलाम साहबी रसूल को फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम के रोजे से टेक लगा कर बैठ गया, जब जोहर का वक्त आया तो मेरा रोने लगा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि नमाज का वक्त कैसे मालूम पड़ेगा, अजान का वक्त कैसे मालूम पड़ेगा। तो हजरत साहबी रसूल फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के इज्जत की जलाल की कसम, नबी के रोजे से खुद अजान की आवाज आ रही थी, नबी के रोजे से खुद